वेलकम टू जीएस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। आई एम योर मैथ टीचर मिस रूपाली पुरवार। तो इन प्रीवियस क्लास वी हैव स्टडी अबाउट रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में हमने फोर प्रॉपर्टी वी की थी, उसके बाद हमने होल नंबर में अपनी क्लोजर प्रॉपर्टी और अपनी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करवा के दिखा दी थी। अब थर्ड आता है होल नंबर में हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का। देखते हैं इसके लिए भी देखते हैं।
कोई भी थ्री होल नंबर लेंगे हम। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? मल्टीप्लीकेशन के लिए, मल्टीप्लीकेशन के लिए हम देखेंगे कोई भी हम थ्री ले लेंगे होल नंबर। ले लिया हमने टू फाइव फोर, देखते हैं इसको सेट डिफाइन करवा के। टू मल्टीप्लाई फाइव मल्टीप्लाई फोर इक्वल टू टू मल्टीप्लाई फाइव मल्टीप्लाई फोर, करते हैं टू मल्टीप्लाई फोर जो ट्वेंटी, टू फाइव जो टेन इंटू फोर ट्वेंटी टू जो फोर्टी इक्वल टू टेन फोर जो फोर्टी। तो हमारे क्या हुआ एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। तो हमारी क्या होगी ये प्रॉपर्टी हमारी एप्लीकेबल हो जाएगी। तो क्या किया हमने कोई भी थ्री होल नंबर लिए तो हमने मल्टीप्लीकेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखी। तो हमारा क्या हुआ मल्टीप्लीकेशन जो है हमारा वो एसोसिएटिव होगा होल नंबर के लिए। अब नेक्स्ट हम फोर्थ ऑपरेशन लेते हैं। फोर्थ ऑपरेशन क्या है हमारा डिवीजन का। डिवीजन के लिए क्या होगा यहाँ पे मल्टीप्लाई की जगह पे क्या हो जाएगा डिवीजन का हमारा साइन आ जाएगा। कर लेते हैं डिवीजन का साइन। अब क्या करते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है डिवीजन। फोर्थ ऑपरेशन किसके लिए दिखा रहे हैं डिवीजन के लिए। लेते हैं कोई थ्री होल नंबर ले लेते हैं हम। माना हमने ले लिया सेवन टेन और नाइन, ये हमने थ्री होल नंबर ये क्या है हमारे होल नंबर। हम इनके लिए ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे। करते हैं सेवन डिवाइड बाई टेन डिवाइड बाई नाइन इक्वल सेवन डिवाइड बाई टेन डिवाइड बाई नाइन। करते हैं सेवन डिवाइड बाई, अब डिवीजन को जब हम मल्टीप्लीकेशन में चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं लास्ट वाला जो नंबर होता है उसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो करते हैं टेन इंटू वन अपॉन नाइन, यहाँ पे क्या होगा सेवन सेम प्रोसेस वन अपॉन टेन डिवाइड बाई नाइन। तो ये क्या हो गया सेवन डिवाइड बाई टेन अपॉन नाइन इक्वल टू सेवन अपॉन टेन डिवाइड बाई नाइन। अब यहाँ पे हमें भी डिवीजन चेंज करना है तो सेवन मल्टीप्लीकेशन में चेंज करेंगे क्या हो जाएगा नाइन बाई टेन। यहाँ पे सेवन अपॉन टेन इंटू वन अपॉन नाइन, सेवन नाइन का सिक्सटी थ्री अपॉन टेन इक्वल सेवन बच्चा सेवन अपॉन नाइनटीन। क्या ये हमारा इक्वल आया? नहीं आया, दैट नॉट इक्वल टू। यहाँ आया हमारा सिक्सटी थ्री अपॉन टेन और ये हमारा क्या था सेवन अपॉन नाइनटीन। तो क्या हुआ हमारा जो डिवीजन हुआ वो ऐसे केसेस में नॉट एप्लीकेबल हुआ। क्या हुआ डिवीजन के लिए हमने क्या किया था थ्री होल नंबर लिए उनको दिखाया डिवीजन में प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करे तो हमारा क्या हुआ एल एच एस आर एच एस के इक्वल नहीं आया। तो हमने देखा एसोसिएशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए हमारा एडिशन तो सेटिस्फाइड हुआ, एडिशन जो होगा वो एसोसिएटिव होगा होल नंबर के लिए लेकिन सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव नहीं होगा। नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन तो हमारा एसोसिएटिव है लेकिन जो डिवीजन है वो हमारा एसोसिएटिव नहीं होगा। तो आपने देख लिया होल नंबर के लिए आपने साथी को प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाई क्लोजर प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, फिर आपने रेशनल नंबर के लिए भी करवाई। अब नेक्स्ट आपके आते हैं इंटीजर्स। अब ये इंटीजर्स के लिए हम तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करवाएंगे। अब पहले तो हम बात करेंगे इंटीजर्स होते क्या हैं।
इंटीजर्स के लिए प्रॉपर्टी, तो थर्ड प्रॉपर्टी आपकी क्या होगी? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी फर्स्ट क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी इंटीजर्स के लिए आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में वही कहेंगे हम प्लस एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लीकेशन का और डिवीजन का। तो हम क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी क्या होगी? कोई भी टू इंटीजर्स ले लो, ए लिया, बी लिया, कोई भी टू इंटीजर्स लिए, ए प्लस बी, इनका हमने एडिशन किया तो ये हमारा जो सी आएगा, इनका एडिशन करने का जो इनका एक योगफल एडिशन आएगा वो हमारा क्या होगा? ये भी सी भी हमारा क्या होगा? इंटीजर होगा। सी क्या होना चाहिए? इंटीजर्स। कोई भी टू इंटीजर्स अगर आप ऐड करेंगे ए प्लस बी तो उनका जो एडिशन आएगा वो हमारा क्या होगा? इंटीजर। एग्जाम्पल ये फर्स्ट
आपने सेकेंड एग्जाम्पल लिया, इक्वल नंबर ले लिया हमने वन और इसको हमने डिवाइड किया फाइव बाई एट से। किससे डिवाइड किया? फाइव बाई एट से। अब वन इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? एट अपॉन फाइव। तो यहाँ पे एट अपॉन फाइव आ जाएगा। वन में मल्टीप्लाई करेंगे एट अपॉन फाइव पर, तो एट अपॉन, ये हमारा क्या है? ये हमारा इंटीजर नहीं है, ये क्या है? हमारा है रेशनल नंबर। ये हमारा क्या आया? रेशनल नंबर। तो ये प्रॉपर्टी डिवीजन जो होता है क्लोजर प्रॉपर्टी, तो कुछ एग्जांपल्स के लिए तो सेटिस्फाइड होगा, लेकिन कुछ के लिए हमारा सेटिस्फाइड नहीं होगा। अब आपने देखा कि क्लोजर प्रॉपर्टी में हमारा एडिशन है जो क्लोजर होता है, सब्ट्रैक्शन भी क्लोजर होता है, मल्टीप्लीकेशन भी हमारा क्लोजर होता है, और लेकिन डिवीजन जो होता है उसमें कुछ एग्जाम्पल्स के लिए नहीं। अब सेकेंड प्रॉपर्टी हम देखते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी वाली कौन सी है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। लेते हैं हम कम्यूटेटिव। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये सारा आप अपनी नोटबुक में नोट कीजिए। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपका आंसर करूँगा।